लो गाइस, फाइनली वो टाइम आ चुका है, एक हमारी एक और मज़ेदार वीडियो आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं एडम पे एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हम लगाने वाले हैं, क्लासी फ्री फायर की सेटिंग। आप में से ज़्यादातर लोगों ने जानते होंगे भाई क्या वन टैप लगते हैं, तो हम लगाने वाले हैं वही सेटिंग। तो फिलहाल सब जीरो कर लेते हैं और मैं जल्दी सी वीडियो देख के आता हूँ कि इसकी उनकी सेटिंग क्या है। तो चलो 2 मिनट रुक जाओ, बस 5 सेकेंड का ब्रेक, रुक जाओ। तो चलो गाइस, मैं सेटिंग देख के आ चुका हूँ और इनकी सेटिंग जो है थोड़ी डिफरेंट सी है, बट कोई बात नहीं। ये देख लो, ये उनकी सेटिंग। भाई मैं ऐसे सही बता रहा हूँ, जनरल जब जीरो पे होते हैं मुझसे ज़्यादा अच्छा खेला नहीं जाता है, बट सिर्फ आप लोगों के लिए हम ट्राई करने वाले हैं उनकी कई सेटिंग। मेरे को डर सा लग रहा है क्योंकि जनरल जब जीरो होते हैं मुझसे खेला नहीं जाता, बट देखेंगे कि उनकी सेटिंग हैकर सेटिंग है, मतलब कैसी है। बट कई पीसी में तो DPI भी होता है, इसलिए वो जीरो पे करके रखते हैं जनरल को, बट मेरे पे तो भाई DPI भी नहीं है, आईपैड में लगती भी नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकता। बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए करी है, जीरो पे करी है जनरल, तो वो देखेंगे कि क्या रहता है सीन और मेरी स्क्रीन अच्छे से रोटेट हो पाती है कि नहीं। भाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप लोग सोच रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि हो तो रही है, पर भाई मेरी इससे 10 गुना ज़्यादा जाती है यार। भाई यार कितना गंदा लग रहा है, ये घूम भी नहीं रही स्क्रीन का, ये दिक्कत हो रही है, बट खेलना तो पड़ेगा। अभी देखते हैं क्लासी फ्री फायर की सेटिंग से हमारी कैसे वन टैप लगते हैं। मूवमेंट तो ठीक आ ही है, मतलब उतनी बुरी भी नहीं है, कमी आ रही है वैसे मूवमेंट भी। यार अपनी पुरानी सेटिंग याद आ गई, मेरा तो भाई सब 100 पे रहता है गाइस, बेस्ट सेटिंग वही है, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो भाई वन टैप लग गया ना, OP गाइस, जैसी बोला वैसी लग गया। तो गाइस मतलब लगा तो है शॉट, बट थोड़ा टाइम में लगा है, तो ड्रैग भी वैसे मैंने अपनी तरफ से करा था, बट ये सेटिंग जो है मेरे ख्याल से PC प्लेयर्स के लिए ज़्यादा सही है। और ब्लू स्टैक्स वगैरह की सेटिंग भी उन्होंने रिवील कर रखी है, बट मैं कहाँ से लगाऊँ, वैसे भी iPad में खेलता हूँ। तो ये सेटिंग जो है मेनली PC प्लेयर्स के लिए है, और उनकी जितनी DPI भी लगानी पड़ेगी ये सेटिंग यूज़ करने के लिए, क्योंकि DPI से ही काम बन पाया, क्योंकि जीरो तो भाई मैं खेलूँगा तो काम ही हो जाएगा। बट फिर भी पूरा मैच एक बार खेल के देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है सीन। ये देखो भाई हेडशॉट मार गया फिस्ट से, अगर मेरी नॉर्मल सेटिंग होती तब बताता इसे, इमोट ना दिखा दे, बस मूवमेंट क्या दिखा रहा था भाई। तो चलो गाइस अब लग रहा है टाइम आ चुका है गाइस अपनी पावर दिखाने का। तो भाई एडम की जो शक्तियाँ हैं उनको भाई अंडर एस्टिमेट कोई नहीं कर सकता, जो करता है फिर उसे महंगा पड़ जाता है, सबको पता है। भाई कैसी गन ले रहा है ये, अजीब अजीब ये फिस्ट फाइट करना चाहते हैं मुझे लग रहा है। अभी AOG ले रहा है, ऑग भाई वन टैप खेल रहा हूँ मैं अभी ऑग से। यार बहुत हो गया गाइस, पता नहीं कैसा खेल रहा बच्चों जैसा, भाई शुरू करना पड़ेगा मारना, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये देखना मैं उठक बैठक कर रहा हूँ, कभी अभी गोलियाँ चला रहा हूँ, लो भाई अब लो सीधा हेडशॉट, इसे बोलते हैं ना, मतलब भाई हेडशॉट लग रहे हैं, पर मेरे इससे ज़्यादा अच्छे हेडशॉट लग जाते हैं अपनी नॉर्मल सेटिंग में। खैर वो उनकी सेटिंग है, उनसे खेला जाता होगा इसमें। आप लोग बताना अगर आप लोग को क्लासिक फ्री फायर की सेटिंग यूज़ करने के बाद कोई डिफरेंस पड़ा कि नहीं, तो तब मैं अभी मेरे को भी पता चलेगा ना कि क्या सीन है इसका। देखो गाइस मूवमेंट तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो आ रही है, देखो हेडशॉट भी लग ही रहे हैं, पर अभी तक तो मैं बच्चों ऐसा खेल रहा था ना, आप देखो थोड़ा सीरियस होकर खेल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं हेडशॉट। तो भाई ये मुक्को वाले से बचने के लिए यही टेक्निक है, जब वो आए ना मुक्के लेते हुए दौड़ते हुए तब नीचे झुक जाओ फिर होगा उसको पोपट। OP गाइस क्या मूवमेंट दिखाता हूँ मैं आई वाले बटन से, मज़ा आ जाता है। चलो गाइस एक बार मेरी मेडकिट लग जाए ना फिर तो मैं बताता हूँ इसे। OP गाइस का हेलमेट टूट गया, अब सीधा मार देना बस। चलो गाइस अब इसका खेल खत्म है, बस जगह मिल गया। अरे भाई 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 OP गाइस मेरी 11 HP रह गई थी, क्या मारा है एंड में, एकदम शगुन का नंबर बचा था 11, वैसे उसी समय मैंने पेल दिया उसे गंदा वाला। तो चलो गाइस 3-1 तो स्कोर हो गया है, अभी दिखाना पड़ेगा इससे अपनी पावर। तो चलो जल्दी से ले लेते हैं कोई गन बढ़िया सी, AWM लेते हैं गाइस, काफ़ी टाइम से चलाई नहीं है हम लोग, वैसे भी AWM किंग है, AWM किंग भाई साहब क्या चलाता हूँ AWM। वैसे अपनी तारीफ़ करना मैंने आज तक भी बंद नहीं करा है, अपनी स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी, मैं अपनी तारीफ करता हूँ बहुत अच्छी वैसे गाइस, मतलब सही बता रहा हूँ AWM तो भाई मेरे को चैलेंज हो तुम लोग, मैं तो हरा के दिखाऊंगा तुम्हें सीधा। मेरे बंदे की एम ये देखो चिपकता है भाई मेरा एम AWM में, जैसे तुम्हारा डेजर्ट ईगल में चिपकता है वैसे मेरे AWM में।
ये देखो भाई सीधा मेरे लगते ही लगते बॉडी है। कई बार हेडशॉट भी लग जाते हैं, ऐसी मजाक की बात नहीं है। पर अगर मैं काफ़ी अच्छी चलाता हूँ AWM, तो किसी को अगर चैलेंज देना हो कोई AWM का प्रो तो मेरे को चैलेंज देना है, मज़ा आएगा। क्योंकि AWM वर्सेस करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं शायद अभी हाँ मैं अभी तक अनडिफीटेबल हूँ AWM चैलेंज में, तो करना मुझे। एक भी बंदा मेरे को AWM में नहीं हरा पाया, वैसे मैंने खेले भी कम ही मैच है AWM से। मतलब मैंने मतलब अगर लगा सकते कि 10-15 तो करे ही होंगे AWM वर्सेस, तो उनमें से मैं अभी तक एक भी बार नहीं हारा हूँ। तो किसी को करना होगा चैलेंज तो बता देना, आप यहीं पे लिख देना, क्या बोलते हैं कमेंट्स में लिखते ही रहते। वैसे तो आप 1v1 एक तो लिख रहा था 1v1 आ जाए नूबड़े, ये पता नहीं कैसे कमेंट करते हो आप। मैं आज पढ़ने आया कि चलो किसी ने कोई अच्छा कमेंट करा होगा, देखो 1v1 आ जाए नूबड़े, पता नहीं कैसे कमेंट करते हो गाइस आप। थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि मोटिवेशन आए थोड़ा। अभी गाइस बंदे को रश करने दो, सीधा पे लेंगे खतरनाक वाला। अरे यार ये वाला कनेक्ट नहीं हुआ, एक सेकंड है, कौन करना पड़ेगा। ओपी गाइस सीधा वेस्ट पे, मैं से रीलोड करते करते दौड़ रहा हूँ भाई, खतरनाक। ओपी गाइस ये देखो इसको बोलते हैं भूल गया, ओपी वाला। तो गाइस मैंने आपको ट्राई करके दिखाई क्लासी SF वाली सेटिंग, तो काफ़ी मतलब मस्त तो नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक थी, मतलब सही थी। जो नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं वैसी टाइप की थी, बट मेरे को तो अपनी सेटिंग पे आई है भाई 100 वाली। तो चलो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।